जन्म तो सभी का होता है, किंतु हमारा जन्म जन्म कल्याणक नहीं होता, क्योंकि हमारा जन्म मरण से लगा हुआ है। जन्म मरण का चक्र प्रत्येक प्राणी के साथ जुड़ा है। तीर्थंकर का जन्म अंतिम जन्म होता है। इस जन्म से उनका मरण नहीं किंतु निर्वाण होगा। निर्वाण के बाद पुनः जन्म नहीं होता, इसलिए तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। उक्त विचार अम्बा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जिनेश जैन ने ज्ञान तीर्थ पर तीर्थंकर बालक आदि कुमार के जन्मोत्सव पर व्यक्त किए। ज्ञान तीर्थ जैन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आज जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। पांडुक शिला पर अम्बा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जिनेश जैन ने प्रथम कलश से तीर्थंकर बालक आदि कुमार का जलाभिषेक किया। श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन प्रातःकालीन सुबह बेला में तीर्थंकर बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। जैसे ही बालक के जन्म का समाचार अयोध्या नगरवासियों को प्राप्त हुआ, सभी खुशी से झूम उठे। मंचासीन पट्टाचार्य श्री बिनी सागर जी महाराज, सप्तम पट्टाचार्य श्री गिया सागर जी महाराज गढ़िनी आर्का, लक्ष्मी भूषण माता जी गढ़िनी आर्का, षष्ठी भूषण माता जी गढ़िनी आर्का, स्वस्ति भूषण माता जी गढ़िनी आर्का, अष्टमती माता जी आर्का, अंत सम्मति माता जी, अक्षतमती माता जी, क्षुल्लक योग भूषण जी महाराज सहित सभी साधु संतों श्री पंचकल्याणक के महत्व प्रकाश डालते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। महोत्सव की मुख्य निर्देशिका गढ़िनी आर्का स्वस्ति भूषण माता जी ने तीर्थंकर के जन्म और निर्वाण के संदर्भ में सभी को अवगत कराया। तीर्थंकर के जन्म के पश्चात सौधर्म इंद्र और सचिन रानी बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर पांडुक शिला पर पहुंचे। वहां पर सभी साधर्मी बंधुओं ने कलशों से जलाभिषेक किया। जन्माभिषेक चल समारोह में एक ऐरावत हाथी, तीन हाथी रथ, ग्वालियर आगरा धोलो मुरैना के पांच बैंड, डीजे ढोल, पांच घोड़ा बग्घी आदि जुलूस में संगीत की मधुर धुन बिखेर रहे थे। महिलाएं केसरीय परिधान में भक्ति नृत्य और बालिकाएं अपने विशेष परिधान में डांडिया नृत्य कर रही थीं। पुरुष एवं युवा वर्ग भगवान की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। जन्माभिषेक के 2 किलोमीटर लंबा जुलूस करोना हनुमान मंदिर एवी रोड पर भ्रमण करते हुआ आयोजन स्थल अयोध्या नगरी पहुंचा। जन्माभिषेक की समस्त धार्मिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य श्री जय कुमार जी, निशांत, नितिन भैया जी, मनीष भैया जी द्वारा संपन्न कराई गई। पांडुशिला पर 1008 कलशों से इंद्रों द्वारा बालक आदि कुमार का अभिषेक किया गया। श्री जिनेश जैन अम्बा ने जैसे ही प्रथम कलश की धारा तीर्थंकर बालक पर प्रवाहित की, चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। जय जयकारों से संपूर्ण ज्ञान तीर्थ गुंजायमान होने लगा। Yeah.
सुन गंगा अपना है सच्ची बात बताई सच्चा कर्म भाई सभी लोग सुहा बनेंगे। देखो भगवान ने जिनको सुंदर सा मुख दिया है अपनी आवाज का प्रयोग कर लेना भगवान की भक्ति में। हो सौदर मंदिर के रहेगा, इसके अलावा कोई भी पीली धोती दुपट्टे वाला नहीं रहेगा। पांडुशाला खाली कर दीजिए, पांडुशाला खाली कर दें, बिल्कुल खाली कर दीजिए। दूसरी बात, पेंट शर्ट